प्रदेश भर में लगातार प्रजापति समाज सरकार से अपना हक लेने की कई बार मांग रख चुका है, लेकिन सरकार प्रजापति समाज की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसके बाद प्रजापति समाज ने सरकार के खिलाफ कमर कस ली है। प्रजापति समाज ने सरकार के खिलाफ जन चेतना यात्रा निकाली और यात्रा प्रदेश भर से निकलकर दिल्ली के रामलीला मैदान पर पहुंची और दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ प्रजापति समाज प्रदर्शन करेगा। यह जानकारी देते हुए प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापत ने बताया कि सरकार से प्रजापति समाज अपना हक मांग रही है, लेकिन सरकार की प्रजापति समाज का हक देने के लिए मन ही नहीं रही। देखिए, आज प्रजापति कुम्हार जन चेतना यात्रा जो 11/11/2018 से स्टार्ट हुई थी, आज 27 फरवरी रामलीला में दिल्ली के रामलीला मैदान में आज प्रजापति समाज का विशाल धरना प्रदर्शन है, जो कि भारत भर से पूरे कुम्हार प्रजापति समाज के लोग लाखों में एकत्रित हो रहे हैं, जहां पर अपनी जो कि मूल अधिकार हमारे अभी तक सरकारों ने नहीं दिए, उस लड़ाई को आज अंतिम लड़ाई के रूप में आज दिल्ली रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन तैयार करके हम। अब किस तरीके की मांगे हैं आपकी प्रजापति समाज को, जिस तरीके का आप लड़ाई लड़ रहे हो? देखिए, मैं बता दूं आपको, प्रजापति समाज की जो बेकदरी पिछले 70 सालों में सरकारों ने की है, उसके इतना गुस्सा आज प्रजापति समाज के आदमियों में है कि वो कुछ बात सुनने को अब तैयार है। हमारी मूलभूत सुविधा भी हमारे को आज तक 70 साल में नहीं मिली। हमारा अधिकारों से वंचित रखा गया, जो अधिकार थे उनसे दूर बता दिया गया। और मैं बता दूं आपको, राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल जीरो पर रखा। 70 साल से हमारे वोट फ्री में लूटते रहे, हमें कभी सत्ता की कुंजी के नजदीक तक भी नहीं आने दिया। उस भागीदारी को अब हम प्राप्त करने के लिए अंतिम लड़ाई बिल्कुल इसको लड़ने के लिए हम रामलीला मैदान के लिए कूच कर रहे हैं।